अस्सलामु अलैकुम गाइस। तो आज अपन बनाने वाले हैं वेज मंचूरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबेज डाल लेते हैं एक प्लेट। कैरेट डाल लेते हैं। वेजेस को बारीक बारीक चॉप कर लेना है पहले। कैप्सिकम डाल लेते हैं। हरी मिर्ची डाल लेते हैं 4 से 5। कोथमीर डालना है थोड़ी। तो भी बनाना है इसके भी। चिल्ली फ्लेक्स डाल लेते हैं थोड़े। काली मिर्ची डाल लेते हैं थोड़ी। आधा चम्मच हल्दी डाल लेना है। दो चमचे मिर्ची ऐड कर लेते हैं उसमें। आधा चम्मच अदरक लहसुन डाल लेते हैं। और आधा चम्मच नमक ऐड कर लेते हैं। अब इसमें आटा मिला लेते हैं, मैदा। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो चलिए अभी से बॉल्स बना लेते हैं इसके। ऐसे बॉल्स बना लेते हैं मंचूरिया के। तो यहाँ पर अपने मंचूरिया के बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम कर लेते हैं फ्राई करने के लिए मंचूरिया। बॉल्स फ्राई कर लेते हैं। पलटा लेते हैं वज मंचूरिया के बॉल्स को।
तो यहाँ पे बॉल्स अपने रेडी हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। अच्छे से पूरा फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपने पूरे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपने पूरे बॉल्स मंचूरिया के फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तेल डाल लेते हैं 2 चम्मच, ऑनियन को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। लहसुन डाल लेते हैं, शिमला मिर्ची भी डाल लेते हैं, आधा चम्मच अदरक लहसुन डाल लेते हैं, आधा चम्मच मिर्ची डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं और आधा चम्मच से भी कम नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा। काली मिर्ची डाल लेते हैं, और थोड़े चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं। दो चम्मच टमाटर को चप ऐड कर लेते हैं। थोड़ा 1 चम्मच सोया सॉस डाल लेते हैं। और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस डाल लेते हैं। और वैसे 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस डाल लेते हैं। गरम मसाले का पाउडर डाल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब इसमें बॉल्स डाल लेते हैं अपने मंचूरिया बॉल्स। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और पानी की स्लरी डाल लेते हैं इसमें। अब इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। कोथमीर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपना मंचूरिया बन चुका है, तो चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अपना वज मंचूरिया तैयार हो चुका है।